हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर्स की फॉर्म में है, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेली दोपहर का 12 बजे का क्लास जरूर देखा करें। वहाँ डिटेल में हम जीके और करंट अफेयर्स दोनों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में आता है। यहाँ पर चीज़ों को कैसे जल्दी से याद रख सकते हैं और जो चीज़ें सीधे सीधे हमें याद करनी होती है, वो करंट अफेयर्स आज हम डेली 6 बजे इस वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आईआईएम बेंगलोर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईआईएम बेंगलोर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ऋषिकेश टी कृष्णन को। तो करेक्ट आंसर होगा ऋषिकेश टी कृष्णन। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण आईएसएसएफ विश्व कप 2020 को रद्द कर दिया गया, इसका आयोजन कहाँ होना था? तो आईएसएसएफ विश्व कप 2020 का आयोजन होना था नई दिल्ली में, इसको हाल ही में रद्द कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए आज का पहला क्वेश्चन, आईएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में यूएन ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो यूएन के अकॉर्डिंग भारत का जो जीडीपी रहेगा वो रहेगा 4.8%। कितना रहेगा? 4.8%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस संगठन ने अपने सदस्य देशों के कोविड-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं? तो सार्क ने किए हैं। सार्क ने जो अपने सदस्य देश है, जो सार्क के मेंबर्स हैं, उसके लिए $5 मिलियन जो है आवंटित किए हैं, ताकि कोरोना वायरस से इन लोगों को लड़ने में कुछ मदद मिले। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची जारी की गई जिसके अंदर सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। उसमें आपसे पूछा है कि सबसे शीर्ष पर कौन रहे, तो जेफ बेजोस वो व्यक्ति हैं जो टॉप पर रहे। अब आपको पता होगा, मैं 5 क्वेश्चन कराने के बाद रिवीजन कराता हूं। आप भारत के किसी भी कोने में बैठकर पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप सोचिएगा, मैं आपके सामने एज अ बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई या आपके टीचर के रूप में सामने बैठ के एक क्वेश्चन करता हूं और आपको उसका बोलकर जवाब देना है। आपको मजा आएगा तो जवाब जरूर दीजिएगा, बोलिएगा, मैं क्वेश्चन यही रखूंगा। तो शुरू करते हैं, आईआईएम बेंगलोर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बोलिएगा आंसर क्या है। आईआईएम बेंगलोर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड, ऋषिकेश टी कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर टू, आईएसएसएफ विश्व कप 2020 रद्द कर दिया गया है, इसका आयोजन कहां होना था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर थ्री, यूएन ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? बहुत बढ़िया, बोलते रहोगे तो मजा आएगा। हाल ही में किस संगठन ने अपने सदस्य देशों के कोविड-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं? किस संगठन ने किए हैं? सार्क ने। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सार्क का फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। आप बोल रहे होंगे सर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन दोस्त मैं ये सारी चीजें पहले करा चुका होता हूं, इसीलिए मैं दोपहर का 12 बजे का क्लास रखता हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? जेफ बेजोस, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एमएसएमई को जो है ऋण मुहैया कराने के लिए किसने सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? तो एमएसएमई को ऋण देगा और इस योजना का नाम किस योजना के तहत? सेफ प्लस योजना के तहत। कौन देने वाला है? सिडबी, सिडबी जो है इसे देने वाला है। सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। अभी सिडबी द्वारा एक ट्रेन भी चलाई गई थी जिसका नाम था स्वावलंबन एक्सप्रेस। क्या नाम था? स्वावलंबन एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बन गए हैं? तो प्राग राजा हैं, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड केयर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कोविड केयर ऐप। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम है आईगोट। क्या नाम है? आईगोट। ये किसके लिए है? जो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं
उनको ट्रेन करने के लिए है ये आईगोट। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य 30 अप्रैल तक कोविड-19 लोकडाउन विस्तार करने वाला भारतीय पहला राज्य बन गया भारत का? ओडिशा। ओडिशा जो है ये पहला राज्य बन गया है। और कल की वीडियो के अंदर मैंने दूसरे राज्य के बारे में भी बताया था जिसने जो है अपने यहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो उसका कमेंट करके बताओ उस दूसरे राज्य का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में कितने लोगों को गरीबी में प्रवेश करने का अनुमान है? तो लगभग 400 मिलियन जो लोग हैं, 40 करोड़ लोग भारत के जो है गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे कोरोना वायरस के चलते। अब एक बार रिवीजन का टाइम है और उसी तरीके से हम रिवाइज करेंगे, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप हाँ आप देंगे जवाब, बहुत बढ़िया। तो बताइए एमएसएमई को ऋण किसने प्रदान किया है? एमएसएमई को ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म ये होता है, इसको कौन ऋण देगा? सिडबी, बहुत बढ़िया। किस योजना के तहत? से प्लस ऋण योजना के तहत, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? वेरी गुड, बोलिए हाँ बहुत बढ़िया, प्राग राजा। अच्छा बताओगे एमडी और सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रोज बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? कोविड केयर ऐप लॉन्च किसने किया है? वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कोविड केयर ऐप लॉन्च। मैं आपसे इसलिए बुलवाता हूं ताकि हम लोगों के बीच में कनेक्शन बने, और जब तक वो कनेक्शन हम लोगों के बीच में नहीं बनेगा तब तक मजा नहीं आएगा यार। जिस दिन हमारे बीच में वो कनेक्शन बन गया, समझ लेना जो मैं बताना चाहता हूं और आप जो सीखने के लिए आए हैं वो आप 100% सीख के जाएंगे, आप फिर टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे यहां पे, इसलिए मैं वो कनेक्शन चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आईगोट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किस राज्य ने बढ़ा दिया है? वेरी गुड, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 11, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे? 40 करोड़ लोग, 400 मिलियन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया? 1.6%। क्वेश्चन नंबर 13, किस आईआईटी ने कोरोना महामारी से इलाकों को संक्रमण मुक्त कराने के लिए सस्ती मशीन तैयार की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। और अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन के अनुसार भारत का जो है जीडीपी कितना रहेगा? वेरी गुड, 1.6%। दोस्तों अब ये चीजें हम एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी होगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, अभी तक जनवरी से लेकर अब तक जितने भी करंट अफेयर्स मैंने कराए हैं उन सभी का एक वीडियो मैंने बना दिया है, तो आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर आप लोगों के सारे करंट अफेयर्स जो है कवर कराए गए हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और भी बहुत सारे लिंक होंगे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार चीजों को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी गुड, 10th of April। अब आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, मतलब छठा सातवां जो भी है, हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, भारत होम्योपैथी के जनक का क्या नाम है? होम्योपैथी, उनके जन्मदिन के रूप में ही जो है होम्योपैथी डे मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोविड केयर ऐप फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एज पर 34th एनुअल फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2020? जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू UN इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 4.8%। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? प्राग राजा। क्वेश्चन नंबर 6, हु स्टार्टेड से प्लस लोन स्कीम टू प्रोवाइड लोन टू MSME? सिडबी। क्वेश्चन नंबर 7, विच हैज बिकम फर्स्ट स्टेट
टू एक्सटेंड कोविड 19 लॉकडाउन बाय 30 अप्रैल। ओडिशा, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ IIM बेंगलोर? ऋषिकेश टी कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 9, ISSF वर्ल्ड कप 2020 कैंसल्ड ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक, वेयर इट वॉज टू बी हेल्ड? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन एलोकेटेड $5 million फॉर कोविड 19 रिलेटेड प्रोजेक्ट्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज? सार्क। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच लर्निंग प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट कोविड 19? आईगोट। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय ILO, हाउ मेनी पीपल्स आर प्रोजेक्टेड टू एंटर इनटू पॉवर्टी इन इंडिया इन 2020? 400 million। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 1.6%। क्वेश्चन नंबर 14, विच IIT हैज डिजाइंड अफोर्डेबल मशीन्स टू फ्री द एरियाज फ्रॉम द कोरोना एपिडेमिक? IIT गुवाहाटी। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे मैंने जो भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछे हैं, आप उन सभी का सही जवाब देंगे। गूगल करो, कैसे भी दो, कमेंट करके जवाब जरूर बताना। और अब आप लोगों के लिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। तो कंचनजंगा जो है माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अपने चार दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को बहुत बढ़िया सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाएं और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं दोपहर को 12 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।